अमीर लोगों ने सिस्टम बनाया है जिसमें गरीब हमेशा उधार चुकाएगा और अमीर हमेशा ब्याज खाएगा। इसी डायलॉग के साथ ये कहानी स्टार्ट होती है। कहानी के स्टार्टिंग में हमें सन्नी को दिखाया जाता है। दरअसल सन्नी और उसके खास दोस्त फिरोज को कुछ गुंडों ने बेरहमी तरीके से किडनैप कर रखा था। तभी वहाँ पर एक आदमी की एंट्री होती है और वो आदमी 500 का नोट दिखाकर सन्नी और फिरोज से पूछता है कि ये नोट किसने बनाया, और ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सन्नी एक पेंटिंग आर्टिस्ट होता है और सन्नी हर तरह की पेंटिंग बनाना जानता है। दरअसल सन्नी किसी भी फेमस पेंटर की पेंटिंग बिल्कुल हूबहू तरीके से बनाना जानता था और उसको ये कला उसके नाना ने सिखाई थी। और सन्नी इन्हीं पेंटिंग को सेल करके अपना थोड़ा बहुत खर्चा चलाया करता है। और इसके बाद सन्नी अपने नानू से मिलने जाता है। दरअसल उसके नानू की एक प्रेस एजेंसी होती है जिसका नाम होता है क्रांति, और इस प्रेस एजेंसी में क्रांति नाम के अखबार प्रिंट होते हैं। दरअसल सन्नी के नानू क्रांति अखबार के जरिए देश में क्रांति लाना चाहते हैं और वो इन सब के लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। और तभी हमें फिरोज को दिखाया जाता है जो प्रेस एजेंसी में काम करता है। दरअसल फिरोज प्रिंटिंग करने में एक्सपर्ट होता है और साथ में हमें पता चलता है कि क्रांति अखबार की इतनी ज्यादा सेल नहीं हो रही है, इसके कारण इनको बहुत लॉस भी हो रहा है। और इसी के साथ हमें सन्नी और फिरोज का बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बच्चे स्कूल से आने के बाद खेलते थे, पर फिरोज और सन्नी ये दोनों क्रांति अखबार बेचते थे और क्रांति अखबार ना तो पहले बिकता था और ना अब बिकता है। और इस वजह से इन दोनों को समझ में आ गया था कि पैसों की कितनी अहमियत है, और तभी से ये पैसे बचाकर रखते थे और बचे हुए पैसे अपने नानों को देते थे। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जहाँ पर हम सन्नी की गर्लफ्रेंड अनन्या को देखते हैं, जहाँ पर वो सन्नी को क्लब में न्यू ईयर पार्टी में ज्वाइन होने के लिए बोलती है। दरअसल अनन्या बहुत रिच थी तो वो हमेशा सन्नी को पैसों के लिए टोंट मारती रहती थी। और इसके बाद सन्नी फिरोज के साथ उसी क्लब में चले जाता है न्यू ईयर पार्टी के टिकट लेने के लिए, पर जब वो जाता है तब उसको पता चलता है कि टिकट का प्राइस 27,000 है जो कि बहुत महंगा था। और क्लब के मैनेजर को भी समझ में आ गया था कि ये टिकट का प्राइस इनकी औकात के बाहर है, तो वो मैनेजर उन दोनों की बेइज्जती करने लगता है और वहाँ से उनको भगा देता है। और अनन्या भी सन्नी को अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के साथ उस क्लब में पार्टी करने के लिए चली जाती है, जिससे सन्नी को बहुत बुरा लगता है। और वो फिरोज को बोलता है कि मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ गवर्नमेंट टैक्स लोन और ये सब पे करने में ही निकल जाती है, वो कभी अपने लिए कुछ नहीं करते। खैर अगली सुबह सन्नी अपने नानू के प्रेस एजेंसी में जाता है, तब वहाँ उसके नानू बड़े टेंशन में बैठे हुए थे क्योंकि उन्होंने क्रांति अखबार को चलाने के लिए बहुत साल पहले एक रतन नाम के आदमी से पैसे लिए थे, पर उनका क्रांति अखबार अभी लॉस्ट में जा रहा था जिसके कारण वो पैसे नहीं दे पा रहे थे। और अब रतन इंटरेस्ट के साथ में पैसे मांग रहा है, अगर पैसे नहीं दिए तो वो ये एजेंसी नीलाम कर देगा। और इस कारण से नानू बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस क्रांति प्रेस एजेंसी में लगा दी थी। सन्नी को उसके नानू की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था, तो फिरोज और सन्नी रतन के पास जाते हैं थोड़ा और समय मांगने के लिए। और काफी रिक्वेस्ट के बाद रतन उनको एक महीने का टाइम दे देता है। और इसके बाद सन्नी और फिरोज पैसों की जुगाड़ में लग जाते हैं। तभी फिरोज अपने दोस्त अनीस के पास जाता है तो अनीस उसको वहाँ पर मांझा के बारे में बताता है जो हर चीज का डुप्लीकेट आइटम बनाकर मार्केट में बेचता है। और मांझा को एक ऐसे आर्टिस्ट की जरूरत थी जो डुप्लीकेट आइटम की डिजाइन बना सके, और फिरोज ये बात सन्नी को बताता है। और ये सुनने के बाद सन्नी को एक आइडिया आता है कि डुप्लीकेट आइटम बनाकर पैसे कमाने से अच्छा है हम डुप्लीकेट पैसे ही बनाए। दरअसल सन्नी यहाँ पर नकली नोट बनाने की बात कर रहा है, और सन्नी की ये बात सुनकर फिरोज भी मान जाता है क्योंकि उनको पैसों की बहुत जरूरत थी। और साथ में ही सन्नी एक बहुत अच्छा पेंटर था, वो किसी भी डिजाइन की हूबहू कॉपी बना लेता था और उनके पास प्रिंटिंग का सारा सामान भी होता है। और इसके बाद ये दोनों 500 रुपए के नोट को बनाने का काम शुरू कर देते हैं। उन्होंने काफी रिसर्च और मेहनत के बाद 500 रुपए का नोट बना लिया था जो दिखने में बिल्कुल रियल नोट जैसा था। अब वो टेस्टिंग के लिए उस नकली नोट को लेकर शराब की दुकान पर जाते हैं उस 500 रुपए के नोट को चलाने के लिए। जैसे ही फिरोज उस शॉपकीपर को नकली नोट देता है तो शॉपकीपर उस नोट को टच करके ही समझ जाता है कि ये एक नकली नोट है, तो वो उन दोनों का पीछा करता है, उनको पकड़ने लगता है, पर जैसे तैसे ये दोनों जान बचा कर वहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बाद इन दोनों को बुरा लग रहा था कि इनकी मेहनत यूं ही गई, पर सन्नी यहाँ सोच रहा था कि उसके नोट में ऐसी क्या गलती हुई है क्योंकि दिखने में तो वो हूबहू लग रहा था। तो सन्नी सोच लेता है कि वो इससे बेटर 500 का नोट बनाएगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेपाल में काठमांडू में, जहाँ पर हम एक मंसूर नाम के आदमी को देखते हैं जो नकली नोट बनाने में एक्सपर्ट होता है। और मंसूर अपना सारा काम नेपाल में ही करता है, और वो इसी सिलसिले में एक आदमी से मीटिंग
रिपोर्टिंग करने के लिए आया था काठमांडू में। और काठमांडू में हम माइकल नाम के एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर को देखते हैं। और माइकल को यहाँ मालूम चल गया था कि मंसूर यहाँ पर आने वाला है, तो वह उसकी पूरी टीम को लेकर काठमांडू पहुँच जाता है। और जहाँ पर मंसूर की मीटिंग चल रही होती है, वहाँ पर माइकल अपनी टीम को लेकर पहुँच जाता है मंसूर को पकड़ने के लिए। दरअसल मंसूर और माइकल ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और इसके बाद मंसूर की पूरी टीम को अरेस्ट कर लिया जाता है। पर जैसे ही मंसूर को बाहर लेकर जाते हैं, मंसूर के आदमी माइकल की टीम पर फायरिंग करते हैं। और इसके बाद वहाँ पर भगदड़ मचने लग जाती है और इसी का फायदा उठाकर मंसूर वहाँ से भाग जाता है। और माइकल, जिसके हाथ मंसूर के वो सारे जाली नोट लग गए थे, पर मंसूर भाग गया था। और यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर भी मारे गए थे। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सन्नी और फिरोज की तरफ, जहाँ पर सन्नी फिरोज को बोलता है कि हमारे नोट का पेपर खराब है, इसीलिए हम पकड़े गए हैं। और इसके बाद ये दोनों उस टाइप का पेपर ढूंढते हैं जो बिल्कुल रियल नोट जैसा हो, और फाइनली इनको उस टाइप का पेपर मिल जाता है। पर जो उनको पेपर मिला था वो बहुत पतला था, तो वो दो पेपर को मर्ज कर एक नकली नोट बनाने का सोच लेते हैं। और इसके बाद ये दोनों पेपर की दोनों साइड प्रिंट करते हैं और उनको मर्ज कर एक नया नकली नोट बना लेते हैं। और जो इस बार उन्होंने नोट बनाया था वो बिल्कुल टच करने पर और दिखने पर बिल्कुल रियल नोट जैसा ही था, और नकली और रियल इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं था। तो ये दोबारा उस नकली नोट को टेस्ट करने के लिए एक वाइन शॉप में जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों को बहुत डर लग रहा होता है कि कहीं ये इस बार भी पकड़ा ना जाए, क्योंकि अगर पकड़ा गए तो बहुत गंदी पिटाई होगी। पर हिम्मत करके सन्नी वो नोट शॉपकीपर को देता है और इस बार फाइनली उनका नोट चल जाता है, जो कि टच करने पर और देखने पर बिल्कुल रियल नोट लग रहा था, इसीलिए वो चल गया था। और ये सब देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ हमें वही फर्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी 500 रुपए का नोट लेकर खड़ा था, और वो आदमी और कोई नहीं मंसूर ही होता है। और मंसूर सन्नी से पूछता है कि ये नोट किसने बनाया, तो सन्नी बोलता है कि ये नोट मैंने बनाया है और फिरोज इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया, प्लीज आप उसे छोड़ दो। पर मंसूर यहाँ पर उसके आदमियों को बोलता है कि फिरोज को गोली मार दो, और उसके आदमी भी मंसूर का ऑर्डर फॉलो करते हुए गोली चला देते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यही एंड होता है कि आखिर फिरोज मारा गया है या नहीं। अगर आप जानना चाहते हो क्या हुआ होगा नेक्स्ट एपिसोड में, तो यार सब्सक्राइब करो ना, नेक्स्ट पार्ट भी इसी चैनल पर आएगा, तो सब्सक्राइब करो। और तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा फिरोज के साथ में, बताओ कमेंट करके। और हाँ, एक और बात, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो के रिगार्डिंग कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट में दे सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।